अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 29 को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 29, 30 एंड 31 ये तीन लेक्चर्स को कवर करेंगे, इन तीन लेक्चर्स को। तो मैं इस सीरीज में जस्ट वही आपको टॉपिक करवा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और शॉर्ट सा मैं आपको इन सारे वीडियो इस सारे तीनों लेक्चर्स का ओवरव्यू जस्ट दूंगा कि आप इनमें से कौन से कर सकते, कौन से अहम है। इतना डीपली मैं अभी इस सीरीज में नहीं करवा क्योंकि टाइम इंतहाई शॉर्ट है, तो इतना डीपली करने में अभी इतना टाइम नहीं है। तो चलें अब हम लेक्चर नंबर 29 से कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले मैंने सारे लेक्चर्स मैंने आपसे अपलोड कर दिए हैं, और मे बी आई थिंक सो आपने जरूर उनको वॉच किया होगा और आपके सारे कंसेप्ट भी जरूर रेडी होंगे। ओके, तो अगर उनमें से कोई भी इशू हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो तभी मुझे समझ आएगी आपको समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। तो चलें एनी टाइम वेस्ट किए अब हम लेक्चर नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक को हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो आज वहीं से कुछ थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 29 में भी पॉलीमॉर्फिज्म ही यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसका कुछ कंसेप्ट है। दी मेन कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज दैट द सेम मेथड कैन बिहेव डिफरेंटली। पॉलीमॉर्फिज्म का मेन कंसेप्ट ये होता है कि आप सेम मेथड से डिफरेंट चीजें परफॉर्म कर सकते हो डिफरेंट बिहेव में, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ विच इट हैज बीन कॉल्ड। उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें से सारे अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हो। वी कंबाइन आर रिलेटेड क्लासेस हैविंग सेम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इन अ क्लास हायरार्की। तो इसे हम अपने एक क्लास, इस क्लास हायरार्की की तरह हम अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते, जैसे कि जैसे ये एक एग्जांपल जो बहुत बार यूज हो रही है, क्योंकि देखो ये एक शेप है। शेप मीन क्या होती है, अगर आप प्रैक्टिकली इमेजिन करो कि शेप क्या चीज हो सकती है, शेप शेप आपके जेहन में क्या चीज है, एक शेप कोई एक डायग्राम है। तो अब उसको कंसीडर करते हुए आप ये सोचो कि ये जो लाइन है, एक लाइन क्लास है, एक लाइन जोन से, लाइन भी तो एक लाइन सी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ये भी तो एक कोई शेप होती है ना। फिर उसके बाद कोई सर्कल, ये भी एक कोई शेप होता है। फिर उसके बाद ए ट्राइंगल भी एक शेप फॉर्म में होती है, मतलब एक कोई ना कोई शेप है, हर चीज कोई ना कोई शेप में होती है। तो इसी तरह इस एक शेप की नेम से आगे मजीद तीन चीजें निकल गई, मतलब एक चीज है उसकी मुख्तलिफ डिफरेंट उसके सॉल्यूशन है। तो ये आपकी पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो उसके बारे ये सारी वही चीजें जो मैंने आपको बताया है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इन अवर शेप क्लास हायरार्की शेप क्लास हैज नो रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस। जो शेप होती है उसकी कोई रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस नहीं होती, मतलब उसको आप रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस मीन आप उसको कोई अपनी आंखों से रियल वर्ल्ड से नहीं देख सकते। शेप को आप देख सकते हो, कॉपी में ड्रॉ होती है, आप प्रैक्टिकली जो चीजें आपके सामने को नजर आती है वो भी एक शेप फॉर्म में होती हैं, लेकिन जो कोई रियल वर्ल्ड में आप इसको कोई इमेजिन नहीं कर सकते। देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट इन अ रियल वर्ल्ड विद सेम शेप विद नेम शेप। रियल वर्ल्ड में भी इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। will always shape there will always be an object of kind of shape like line circle or triangle। जैसे लाइन सर्कल ट्राइंगल एक शेप फॉर्म में होते हैं, तो इनको हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। तो उसके बाद है कंक्रीट क्लासेस। कंक्रीट क्लासेस क्या होते हैं, अ कंक्रीट क्लासेस इंप्लीमेंट्स अ कंक्रीट कंसेप्ट दे कैन इंस्टेंशिएट दे में इनहेरिट फ्रॉम एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अनदर क्लास। कंक्रीट क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं इसके जो वजूद होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इनके में इनहेरिट, जैसे जैसे जब आप कोई क्लास को आप इनहेरिट करते हो, मतलब कोई एक न्यू चीज जो इनहेरिट हो रही है, वो चीज जो न्यू इनहेरिट हो रही है उनको आप सेकंड वे में आप कंक्रीट क्लास कह सकते हो। मतलब कंक्रीट मीन कोई न्यू चीज डेवेल्प हो रही हो, ऊप में ऊ के रिलेटेड कोई न्यू चीज डेवेलप हो रही हो, उसको आप कंक्रीट क्लास कह सकते हैं। जैसे उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट क्लास देख लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++ क्या होती है,
in C++ we can make a class abstract by making expansion. हम C++ में एक क्लास को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बाय मेकिंग इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन से, और प्योर वर्चुअल. प्योर वर्चुअल क्या मीन होता है उसको हम आगे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि उसके बाद ही ये टॉपिक आ गया है प्योर वर्चुअल फंक्शन. अ प्योर वर्चुअल प्रेजेंट एंड ऑब्जेक्ट बिहेवियर एंड मे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल ड्रा मैट्रिक्स इन शेप क्लास रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट बिहेवियर. अ प्योर वर्चुअल रिप्रेजेंट an abstract behavior and may have not implementation. A pure virtual represent जो एक pure virtual represent होता है जो abstract behaviorly perform ना करे और उस पर implement ना हो उसको हम pure virtual functions कहते हैं. जैसे एक example है एक shape class की, draw matrix in shape class represent abstract behavior as shape class itself does not have existence in real world. जैसे मैंने ऊपर बताया था एक शेप तो उसकी रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है, बट उसकी बिहेवियर ही आप उसको इमेजिन कर सकते हो उस शेप को, तो ये एक प्योर वर्चुअल फंक्शंस होते हैं. तो उसके बाद ये शेप हायरार्की, उन्होंने कुछ इसकी हायरार्की बनाई हुई है. तो उसके बाद वर्चुअल डिस्ट्रैक्टर क्या होते हैं. The destructor is called according to static type of any class pointer. For example, a destructor class according to static type of any class pointer. For example, if we have save derived class pointer in shape class pointer array, as we did in previous lecture. जैसे कि मैं आपको अपनी easy वर्ल्ड में बता देता हूँ कि virtual destructor क्या होते हैं. Destructor mean क्या होते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं करते बल्कि कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसका नेम डिस्ट्रक्टर हुआ. तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर मीन क्या होगा, जो वर्चुअली डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्ट करे. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे ये देखें ये जो निशान होता है शेप नेम के साथ, ये जो निशान है ये जो इसकी निशानी है ये होती है डिस्ट्रक्टर की. तो इन्होंने क्या किया, सी आउट किया शेप डिस्ट्रक्टर, मतलब शेप को डिस्ट्रक्ट किया हुआ. तो आप एक दफा इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा हल्का सा देखिएगा, लेकिन इतनी बड़ी इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर्स में नहीं आते, ये जो इतनी लेंथी होते इतने नहीं आते पेपर में. आपको हमेशा शॉर्ट से और इजी जो इसके क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं आपको. ओके, तो उसके बाद वर्चुअल डिस्ट्रक्टर वो ऑलरेडी हो गया. तो इसके बाद वर्चुअल ऊपर वर्चुअल फंक्शन यूजेज है, इसके कुछ वर्चुअल फंक्शंस होते हैं जो इसके कुछ यूजेज इन्होंने बताए हुए हैं. वाइड फंक्शन कैन बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू इनहेरिट इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन. जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं ये यूज होते हैं जब इनहेरिट करते हैं इंटरफेस को. Just inherit interface mean only derived classes will have implementation. Just inherit interface mean only derived class. जो only derived class को inherit करें उसको भी आप इसको benefit आप कह सकते हैं. तो उसके बाद अब हम आगे वाले lectures को continue करें. ये सारी वही चीज जो examples हैं, तो आप इस चीज में examples को मैं कोई हाथ नहीं लगा रहा. तो डायनामिक डिस्पैच ये भी एक अहम चीज़ होती है. डायनामिक क्या चीज़ है, डायनामिक वो होती है जो आप रन टाइम में उसको आप वैल्यू दे दो. एक सी प्लस प्लस के रिलेटेड में आपको एक इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ. तो डायनामिक वो चीज़ होती है जब आप किसी को भी रन टाइम में जाके, रन टाइम में जब आपका प्रोग्राम 100% कंपाइल हो गया, रन भी हो गया, जब आपका प्रोग्राम रन हो गया और रन होने के बाद जब आप वैल्यू देते हो, जब आप उससे कुछ अपना टास्क परफॉर्म करवाते हो, तो उसको आप डायनेमिक कहते हो. डायनेमिक वो चीज होती है. तो इस क्रम में आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, मे बी आपने वो चीज यूज की हो. जैसा कि आपको पता है कि एक वर्डप्रेस चीज होती है, वर्डप्रेस वो क्या होती है जिसपे आप अपनी साइटें बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो. तो जो हमारा वर्डप्रेस होता है ये भी फुली डायनेमिक होता है. तो वर्डप्रेस डायनामिक होता है. तो ये भी एक इजीली इसकी एग्जांपल्स ही डायनामिक की. तो चलें अपने पॉइंट्स पे आते हैं.
dynamic dispatch kiya pe, it happened in case of virtual function. For non virtual function, it happened in case of virtual. Ye ek virtual function mein happens karte hain. For non virtual function, ek non virtual function mein compiler just generate code to call the function. और कंपाइलर जस्ट कोड को जनरेट करते हैं इसको कंपाइल करने के लिए. इन केस ऑफ वर्चुअल फंक्शन कंपाइलर जनरेट कोड असेस टू ऑब्जेक्ट, असेस ऑब्जेक्ट को असेस कर एसोसिएट वी टेबल, इसमें जो एसोसिएट होता है जो इसमें टेबल होता है उसको असेस के लिए यूज होगा. फिर उसके बाद है कॉल द अप्रोप्रिएट फंक्शन, ये एक अप्रोप्रिएट फंक्शन को कॉल करने के लिए भी यूज होगा. तो उसके बाद ये सारा कंक्लूजन है, मतलब जो हमने ऊपर सब कुछ रीड किया उसकी सारी चीज की ये सारी समरी उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है. तो आप इसको भी ये दफा जरूर रीड करिएगा. ओके, तो लेक्चर नंबर 30 को स्टार्ट करते हैं. ये जो लेक्चर नंबर 30 है ये थोड़े से ट्रिक पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट ऐसे जो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. तो इसमें सबसे पहले है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया गया है कि कोई एक केस है उसको डिफरेंट वे से उसको सॉल्व करना, इसको हम एक पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक टास्क है, एक टास्क को डिफरेंट फॉर्म में से उस डिफरेंट फॉर्म में सॉरी उसको सॉल्व करना है, इसी फॉर्म में हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन का है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. तो यहाँ में कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं जस्ट आपको थोड़े से रीड कराऊंगा. तो उसके भाई ये तो सारे प्रोग्राम्स है ना, छोटे 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 को नहीं है, लेंथी हैं, छोटे को नहीं है वैसे, लेकिन आप इनको थोड़ा सा ना आप इनको बेशक स्किप कर दीजिए, कोई इतने ट्रिकी कोई भी नहीं आते. यहाँ में पॉलीमॉर्फिकली की एक उन्होंने कुछ अरेज बनाई हुई है. तो ये एक एग्जांपल शेप हायरार्की रिवाइज्ड, मतलब जैसे हमने ऊपर एक की थी ना एग्जांपल शेप वाली, तो मतलब देखो शेप वही चीज यहाँ पे रिपीट हो, एक शेप है उसके बाद लाइन सर्कल ट्रायंगल डिफेंड उसकी आगे क्लासेस हैं, इनहेरिट हो रही हैं, ड्राइव्ड हो रही हैं. तो ये भी एक इसकी रिवाइज है, मतलब उन्होंने ये बार बार चीजें वो ये वही चीजें जो बार बार रिवाइज हो रही हैं. कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने बताए हुए हैं थोड़े से ट्रिकी से. तो ये सारे प्रोग्राम्स की उसकी डेफिनेशन है. कोई न्यू टॉपिक आता है तो वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ. से ये आप लेक्चर्स आप मेरे ख्याल से आप इसको ना भी ना करें तो इसमें कितना कोई इशू नहीं होगा. इसमें इतने इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स नहीं है लेक्चर नंबर 30. आप मैं ये सजेशन दूंगा कि आप इसको बेशक स्किप कर दें, लेकिन फिर भी एक दफा इसको रीड जरूर करिएगा. ओके, तो उसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस के जब भी आप फ्यूचर में अगर आप किसी भी आईटी कंपनी में अगर आप अपना इंटरव्यू देती हो तो ये इनहेरिटेंस के रिलेटेड जो टॉपिक इनहेरिटेंस के रिलेटेड इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. फ्यूचर में आपसे इस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो मैं बस वही करवा रहा हूँ जो फ्यूचर में आपको यूज होंगे. तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पहले हम देख लेते हैं इनहेरिटेंस क्या होती है. इनहेरिटेंस वो चीज़ होती है, इस इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं, एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है. और आगे इनहेरिटेंस की मजीद तीन टाइप्स होती हैं, चार से पांच टाइप्स होती हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में हम जस्ट तीन टाइप्स का रहे हैं. एक होती है सिंगल इनहेरिटेंस, एक होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस और एक होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. और इस लेक्चर नंबर 31 में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को थोड़ा सा रीड करेंगे. ओके, तो एज वी सीन मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पार्ट ऑफ हू Now we see its implementation in C++. जैसा कि हमने स्टार्ट में फर्स्ट 10 लेक्चर्स में से ये इनहेरिटेंस का एक टॉपिक रिवाइज हुआ था, तो उसमें हमने इन मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है उसके बारे में देखा, लेकिन इस लेक्चर में हम ये C++ में कैसे इंप्लीमेंट होती है इसमें हम ये थोड़ा सा स्टडी करेंगे. अ क्लास इन C++ कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास. एक क्लास होती है जो एक से ज्यादा क्लासेस से वो इनहेरिट होती है. Like phone calls can inherit from transmitter. जैसे एक फोन कॉल है, एक फोन क्लास है, वो ट्रांसमीटर और रिसीवर से इनहेरिट हो सकती है. जैसे एक ये देखो एक फोन है, एक जैसे लेट्स वो सबसे पहले आप ये समझो ये हमारे पास एक क्लास है ट्रांसमीटर और रिसीवर की. ट्रांसमीटर और रिसीवर. ट्रांसमीटर क्या है, ट्रांसमीटर का अगर प्रक्रिया हम देखो ये क्या काम है, ये ट्रांसमिट करता है और रिसीवर को मतलब ये चीज रिसीव करता है.
जब ट्रांसमीटर और रिसीवर भी दो क्लासेस होंगी तो फिर वो फोन एक कॉल करेगी। मल्टीपल इनहेरिटेंस सबसे एक इजी सी बहुत ही अच्छी एग्जांपल देता हूँ जिसे आपको बहुत ही अच्छे से इसका कंसेप्ट रेडी हो जाएगा। देखिए अगर आप एक क्लास बनाते हैं मदर नेम की क्लास, मदर नेम की क्लास, फिर दूसरी आप क्लास बनाते हैं एक मदर नेम की क्लास बनाते और दूसरी आप बनाते हैं फादर नेम की क्लास। मदर के अंदर जो सी प्रॉपर्टीज होंगी, मदर क्लास के अंदर क्या क्या हो सकती है, मदर की जो प्रॉपर्टी उनका नेम होगा, उनकी कोई एज होगी, उनका कोई बैकग्राउंड कोई नेम होगा, मतलब उनको कॉस्ट होगी। फिर अगर जब आप फादर की क्लास बनाते हैं, फादर की क्लास में क्या है, तो फादर की क्लास में भी आपका नेम आएगा, उनकी कोई एज होगी, उनका भी कोई बैकग्राउंड कोई कॉस्ट नेम होगी। तो जब आप दो बेस क्लास को जब आप एक क्लास बनाते हैं तो वो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी यहाँ से एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल मैं आपको सी प्लस प्लस से मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको मैं करवा देता हूँ, इससे आप बहुत अच्छी से समझ इसकी आएगी। मैं सी प्लस प्लस ओपन करता हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस की आपको बहुत ही अच्छे से इसी समझ आएगी। जैसे मैं क्लास ही यूज करता हूँ, एक क्लास में बना रहा हूँ, क्लास में बना रहा हूँ एक फादर नेम की क्लास बना रहा हूँ, तो क्लास मैंने अपने फादर नेम की, यहाँ पर मैंने कुछ प्राइवेट मेंबर्स लिए, प्राइवेट मेंबर्स में लिए, फिर मैं यहाँ पे कुछ पब्लिक मेंबर्स लेता हूँ। प्राइवेट मेंबर्स में मैं क्या लूंगा, अब फादर के अंदर क्या आ सकते हैं, उनका कोई इंट नेम होगा, इंट एज होगी, सॉरी नेम हमेशा इंट में नहीं होती, स्ट्रिंग में होती है, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्म टाइप होती है। तो फिर पब्लिक के अंदर हम इनके कुछ फंक्शन लिखेंगे, मतलब नेम कैसे हम सी आउट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इंट फन करते हैं, इंट फन करके हम यहाँ से इसके कुछ फंक्शन बनाएंगे, सी आउट इंटरा नेम, सी आउट इंटरा नेज, वो वगैरह हम करेंगे। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं मदर नेम की, मदर नेम की मैं एक यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, तो यहाँ पर अब मदर के अंदर प्राइवेट के अंदर हम मैं ले लेता हूँ, उनका भी एक मदर का भी क्यों ना कोई नेम को होगा ना, सबसे पहले हम उनकी एज लेते हैं, फिर उनका कोई नेम लेंगे, स्ट्रिंग नेम। अब देखें ये चीज़ हमने ली है, फिर पब्लिक में आएंगे, पब्लिक के अंदर भी हम इनके कुछ फंक्शन लिखे रहे। अब हम अपनी क्लास बनाते हैं, क्लास चाइल्ड की, जो हम हैं क्लास चाइल्ड की मैं बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पर भी कुछ प्राइवेट वगैरह, प्राइवेट के अंदर कुछ मेम्बर्स लूँगा और पब्लिक के अंदर भी कुछ मैं मेम्बर्स लूँगा। देखो अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको ये कहती है कि सिंगल इनहेरिटेंस में ये होती है एक सिंगल क्लास आप ड्राइव करते हो, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक दो चीजें, दो क्लासेस जब होती हैं, दो या दो से ज्यादा जब आप क्लास को इनहेरिट करते हैं एक क्लास के अंदर, जैसे मैं चाइल्ड है, अब मैं इसको इनहेरिट करने लगा हूं, अब मैं यहाँ पे करूंगा पब्लिक फादर, फिर उसके बाद है पब्लिक मदर। देखो जब दो चीजें, एक फादर नेम की क्लास, एक फादर नेम की क्लास और दूसरी मदर नेम की क्लास, जब आप इनहेरिट करोगे एक तीसरी क्लास के अंदर, तो फिर वो आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी। ओके तो ये जो चाइल्ड है, देखो चाइल्ड उस वक्त होता है जब फादर और मदर हो, जब दोनों मदर्स होते हैं, नेचुरली ऐसा प्रोसेस है, तो तब चाइल्ड होता है। तो ये आई थिंक तो आप इस एग्जांपल काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। तो चलें आप अपने रिटर्न आते हैं, यही चीज़ देखो, यही चीज़ वो भी ये हो रही है, ये समझ लो आ ये फादर है और ये एक मदर है, एक फादर और मदर, और फिर ये चाइल्ड होगी, तो फिर ये चाइल्ड क्रिएट होगा। ओके ये मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो बेस क्लास होती हैं और एक ड्राइव क्लास होती है। ये जो सी है, इसमें जो ये जो फादर और मदर है, ये आपकी बेस क्लास दो, एक फादर एक आपकी बेस क्लास होगी और ये जो एक मदर ये आपकी बेस क्लास होगी, जबकि ये जो चाइल्ड हमने ये जो क्रिएट की है ये आपकी ड्राइव क्लास होगी। ओके चले मल्टीपल इनहेरिटेंस का तो आपको काफी अच्छे से मैंने इसको एग्जांपल से आपको बता दिया है कि इसमें सारी वही चीजें रिवाइज हो रही हैं। मन यूजिंग पब्लिक मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास कैन रिप्लेस का ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल द बेस क्लास। जब हम पब्लिक मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं तो जो इसका ऑब्जेक्ट होता है हम उसको रिप्लेस करते हैं उसके बेस क्लास से।
ये भी एक पॉइंट एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मतलब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे इफ मोर देन वन बेस क्लास हैव अ फंक्शन विद द सेम सिग्नेचर देन द चाइल्ड विल हैव टू कॉपीज ऑफ दैट फंक्शन। इफ मोर देन वन बेस क्लास, जब एक से ज्यादा बेस क्लास होती हैं और जो उनके फंक्शन सेम होते हैं, उससे फिर वो बहुत ज्यादा मिस इश्यूज होते हैं उस फंक्शन में। कॉलिंग, जैसे मैं आप यहाँ से बताता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पब्लिक के अंदर मैंने फन नेम का एक फंक्शन बनाया है, और इस पब्लिक के अंदर भी मैं यहाँ पे इन फन नेम का फंक्शन बनाता हूँ, तो फिर ये इश्यू क्रिएट करेगा। फिर मुझे, क्योंकि पब्लिक के अंदर मुझे तो इसको इनहेरिट कर रहा हूँ ना, तो फिर जब मैं यहाँ से असेस करूंगा इंट फन को, तो फिर इसको समझ ही नहीं आएगी कौन सा फन आप यहाँ से ले रहे हो। ओके, तो फिर उसके बाद एक कॉलिंग सेट फंक्शन भी रिजल्ट इन एम्बिक्विटी, जो इस ऐसे जो फंक्शन जब हम इनको कॉल करते हैं तो ये एम्बिक्विटी होती है। एम्बिक्विटी मीन होती है जब इसमें मिस इश्यूज होते हैं। देखो, जब मैं इंट मेन के अंदर मैं जब इसकी ये चाइल्ड क्लास की, जब ये चाइल्ड क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सी, जब सी मैं बनाऊंगा सी, सी को जब मैं फन करूंगा, देखो यहाँ पे सी डॉट, मैंने सी डॉट किया और ये फन टू नेम किया है। अब मुझे नहीं पता चले ये जो ऊपर वाला फन है ये कौन सी क्लास है, ये क्या पेरेंट क्लास का या मदर क्लास का है। ये जो इश्यूज होते हैं इसको हम एम्बिगिटी कहते हैं। ओके, तो रिटर्न आते हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे आ रही है, एक एग्जाम्पल लैंड व्हीकल और वाटर व्हीकल। लैंड व्हीकल में क्या होती है, आप अगर उर्दू में कैसे इसको, हम जैसे समंदर में कश्ती वगैरह होती है हम उसको लैंड व्हीकल कहते हैं, और वाटर व्हीकल भी क्या होती है, ये वही चीज होती है। मतलब सेम नेम की जो क्लासेस होती हैं, अगर हम सेम नेम की इसको भी हम कह सकें ये फंक्शन, और ये सेम नेम फंक्शन को भी हम एम्बिक्विटी कह सकें, जबकि हम इसको भी कह सकते हैं सेम नेम की जो क्लासेस होती हैं जिनका मतलब सेम होता है। अब ये जो लैंड व्हीकल है, अब इसका भी, और वाटर वाटर व्हीकल, इन दोनों का मतलब यही होगा, ये जो समंदर में कश्ती वगैरह होती है, दरियाओं में होती है, ये दोनों चीज सेम है, ये भी आगे एम्बिगिटी होती है। तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस की एम्बिगियस कॉल प्रॉब्लम कैन अराइज व्हेन डीलिंग विद मल्टीपल लेवल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब हम बहुत ज्यादा क्लासेस के साथ जब हम इनहेरिट करते हैं, तो उस वक्त एम्बिगियस कॉल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये आपसे हमसे पूछ आ सकते हैं कि एम्बिगियस कॉल प्रॉब्लम किस वक्त होती है, किस इशू पे होती है, तो जब आप मल्टीपल लेवल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हो, तो उस वक्त ये एम्बिगियस प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में भी बहुत जरूर आएगा, इंशाल्लाह जरूर किसी ना किसी स्टूडेंट के पेपर में ये जरूर आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद ये सारी एग्जाम्पल्स ही हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल ये आपको बताई है कि वहां पे डैम में, तो ये वही चीज है सारी। वर्चुअल इनहेरिटेंस, द सॉल्यूशन टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इज वर्चुअल इनहेरिटेंस। ये जो इशू आ रही है, ये अम्बिगियस प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल इनहेरिटेंस तो स्टडी करते हैं। वर्चुअल इनहेरिटेंस जैसे इसकी ये मेमोरी है, इसको आप बेशक अभी ना करें। वर्चुअल इनहेरिटेंस से हाउ, व्हेन टू यूज वर्चुअल इनहेरिटेंस, वर्चुअल इनहेरिटेंस मस्ट बी यूज व्हेन नेसेसिटी कैन बी यूज इन द सिचुएशन व्हेन प्रोग्रामर वांट्स टू यूज टू डिस्टिंक्ट डेटा मेंबर इनहेरिट फ्रॉम बेस क्लास रेदर देन वन। जब हम दो सेम नेम के डेटा मेंबर्स को इशू सॉल्व करना हो, तो उस वक्त हम वर्चुअल इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। तो ओके, जैसे कि आप लेक्चर नोट 32 आ रहे, तो आई थिंक तो लेक्चर वीडियो काफी लेंथी हो गया, अदरवाइज मैंने ये भी आपको करवा नहीं। चलिए, इसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह, कल मैं इसको कराऊंगा। तो अगर आप इस ये जो लेक्चर नंबर 29, 30 एंड 31 में अगर कोई भी आपको इशू हो, तो आप जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइए, क्योंकि जब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे तो तब ही मुझे समझ आएगी कि आपको क्या इशू है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, तो अगर आप मुझसे प्राइवेट पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे प्राइवेट भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।